और वहीं केंद्रीय मंत्रिमंडल में अब विभागों का बंटवारा। अमित शाह बनाए गए गृह मंत्री, राजनाथ सिंह को मिला रक्षा मंत्रालय। जी हां, मोदी सरकार की दूसरी पारी के तहत आज मंत्रियों को विभागों का बंटवारा हो चुका है। निर्मला सीतारमण अब वित्त मंत्री होंगी, स्मृति ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्री होंगी, रविशंकर प्रसाद को कानून मंत्रालय सौंपा गया, नितिन गडकरी को परिवहन मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई। वही बात अगर नरेंद्र सिंह तोमर की करें तो उन्हें कृषि मंत्रालय सौंपा गया, एस जयशंकर को विदेश मंत्रालय सौंपा गया, रमेश पोखरियाल को निशंक को मानव संसाधन मंत्रालय और साथ ही हर्षवर्धन को स्वास्थ्य मंत्रालय सौंपा गया। और वहीं पीयूष गोयल को रेल मंत्रालय सौंपा गया और प्रकाश जावड़ेकर को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय सौंपा गया। धर्मेंद्र प्रधान को पेट्रोलियम मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई। पीएम के नए मंत्रिमंडल के मंत्रालयों का अब बंटवारा हो चुका है और ये नाम टीवी स्क्रीन पर आपके सामने लगातार फ्लैश हो रहे हैं। स्मृति ईरानी को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली, रविशंकर प्रसाद को कानून मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली, नितिन गडकरी अब सड़क एवं परिवहन मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगे, नरेंद्र सिंह तोमर को भी कृषि मंत्रालय मिला, एस जयशंकर को विदेश मंत्रालय दिया गया, रमेश पोखरियाल को मानव संसाधन मंत्रालय सौंपा गया। बात अगर हर्षवर्धन की करें तो हर्षवर्धन को स्वास्थ्य मंत्रालय सौंपा गया और वहीं पीयूष गोयल को रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली। प्रकाश जावड़ेकर अब सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं। धर्मेंद्र प्रधान को पेट्रोलियम मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली और वहीं अमित शाह गृह मंत्री बन चुके हैं, राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्री, निर्मला सीतारमण अब वित्त मंत्री बन चुकी है। काफी कुछ इस बार बदलाव देखे गए पीएम के नए मंत्रिमंडल में और अब आज पीएम मोदी की दूसरी पारी का पहला दिन है और ये नाम टीवी स्क्रीन पर आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं कि कौन से मंत्री को आखिर कौन सी जिम्मेदारी सौंपी गई। आज सभी के शपथ लेने के बाद मोदी सरकार की दूसरी पारी का पहला दिन और इसी के तहत मोदी कैबिनेट की बैठक में अधिकतर मंत्रियों को अब मंत्रालयों की जिम्मेदारी मिल चुकी है। रामविलास पासवान को नागरिक खाद्य आपूर्ति मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली, सदानंद गौड़ा को केमिकल फर्टिलाइजर मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली, प्रहलाद जोशी को संसदीय मामलों का मंत्रालय सौंपा गया और वहीं अकाली दल से हरसिमरत कौर को खाद्य मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली, अर्जुन मुंडा को आदिवासी मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली, महेंद्र नाथ पांडे को कौशल विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली, गिरिराज सिंह को पशुपालन मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई और अपने राजस्थान से गजेंद्र सिंह शेखावत को जल शक्ति मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली, किरण रिजिजू को भी एक अहम जिम्मेदारी सौंपी गई। और सबसे पहले बता दूं कि अमित शाह गृह मंत्री बन चुके हैं, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री बन चुके हैं, निर्मला सीतारमण अब वित्त मंत्री बन चुकी हैं, स्मृति ईरानी को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई। लगातार टीवी स्क्रीन पर आपके सामने ये सभी नाम फ्लैश हो रहे हैं। पीएम के नए मंत्रिमंडल के मंत्रालयों का बंटवारा हो चुका है और इसी के तहत सभी मंत्रियों को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई। प्रकाश जावड़ेकर को सूचना प्रसारण मंत्री की जिम्मेदारी मिली, धर्मेंद्र प्रधान को पेट्रोलियम मंत्रालय, रामविलास पासवान को नागरिक खाद्य आपूर्ति के लिए, सदानंद गौड़ा को केमिकल फर्टिलाइजर मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली। आप टीवी स्क्रीन पर लगातार देख सकते हैं कि कौन से मंत्री को आखिर देश में अब कौन सी जिम्मेदारी मिली। हरसिमरत कौर को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली जो कि अकाली दल की नेता है। महेंद्र नाथ पांडे को कौशल विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली। पीएम मोदी शपथ लेने के बाद आज उनका पहला दिन था और मोदी कैबिनेट की बैठक में सभी मंत्रियों को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई। आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कौन से मंत्री को आखिर कौन सी जिम्मेदारी मिली, कौन सा मंत्रालय मिला। निर्मला सीतारमण अब वित्त मंत्री बन चुकी है, स्मृति ईरानी जो कि अमेठी से विजय रही थी
उन्हें महिला एवं बाल विकास की जिम्मेदारी मिली है। नितिन गडकरी संभालेंगे अब सड़क एवं परिवहन मंत्रालय की जिम्मेदारी। नरेंद्र सिंह तोमर को कृषि मंत्रालय मिला। पीएम के नए मंत्रिमंडल के मंत्रालयों का आखिरकार बंटवारा हो चुका है, जिसका सभी को इंतजार था। ये बात देखने वाली थी कि आखिर किसको कौन सा मंत्रालय मिलेगा, और ये तस्वीर अब साफ हो चुकी है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कौन से मंत्री को अब कौन सा मंत्रालय सौंपा गया। लगातार टीवी स्क्रीन पर हम सभी नामों को फ्लैश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कौन से मंत्री को आखिर मोदी की कैबिनेट में क्या जगह मिली और क्या जिम्मेदारी मिली है। अकाली दल से हरसिमरत कौर को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली। अर्जुन मुंडा को आदिवासी मामलों का मंत्रालय मिला। महेंद्र नाथ पांडे को कौशल विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली। मोदी सरकार की दूसरी पारी का आज पहला दिन है। कल पीएम मोदी के साथ इन सभी मंत्रियों ने मंत्री पद की शपथ ली थी, और उसके बाद आज मोदी कैबिनेट की पहली बैठक में ये फैसला हो गया कि कौन से मंत्री को आखिर कौन सा मंत्रालय मिलेगा। ये तस्वीर अब साफ हो चुकी है कि कौन सा मंत्री कौन सी जिम्मेदारी देश में मोदी कैबिनेट में निभाएगा। लगातार आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कौन से मंत्री को कौन सा मंत्रालय मिला। एस जयशंकर को विदेश मंत्रालय मिला है। रमेश पोखरियाल को मानव संसाधन मंत्रालय मिला। हर्षवर्धन को स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं बात अगर पीयूष गोयल की करें तो पीयूष गोयल को रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली। प्रकाश जावड़ेकर को सूचना एवं प्रसारण मंत्री की जिम्मेदारी मिली। हम लगातार आपको बता रहे हैं कि मोदी की कैबिनेट में अब कौन से मंत्री को कौन सी जिम्मेदारी मिली है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर साफ तौर पर देख सकते हैं कि कौन से मंत्री को कौन सा मंत्रालय मिला। ये तस्वीर अब साफ हो चुकी है, जिसका सभी को इंतजार था। कल इन सभी मंत्रियों ने पीएम मोदी के साथ मंत्री पद की शपथ ली थी, और आज ये तस्वीर साफ हो गई कि कौन से मंत्री को आखिर कौन सी जिम्मेदारी मिलने वाली है। मरुधरा से गजेंद्र सिंह शेखावत को जल शक्ति मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली। गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर से सांसद चुनकर गए थे। कैलाश चौधरी को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की जिम्मेदारी मिल चुकी है। कैलाश चौधरी मरुधरा से बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से चुनके गए थे। ये काफी हॉट सीट थी। स्मृति रानी को, जो कि अमेठी से सांसद चुनी है, राहुल गांधी इनके सामने खड़े थे कांग्रेस से, जिनको हरा कर फतेह हासिल कर संसद पहुंची है। नरेंद्र सिंह तोमर को कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली। आप अपने टीवी स्क्रीन पर साफ तौर पर देख सकते हैं कि कौन से मंत्री को आखिर कौन सा मंत्रालय सौंपा गया। ये तस्वीर अब पूरी तरह से साफ हो चुकी है। पीयूष गोयल को रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली। हम लगातार आपको ग्राफिक्स के माध्यम से अपडेट कर रहे हैं कि आखिर पीएम के नए मंत्रिमंडल में कौन से मंत्री को क्या जिम्मेदारी मिली। लगातार आप अपने टीवी स्क्रीन पर इन सभी मंत्रियों के नाम देख सकते हैं जो मोदी कैबिनेट में। आपको बता दूं, अकाली दल से हरसिमरत कौर को भी अहम जिम्मेदारी सौंपी गई। अर्जुन मुंडा को आदिवासी मामलों का मंत्रालय घोषित किया गया। महेंद्र नाथ पांडे को कौशल विकास मंत्रालय बनाया गया। गिरिराज सिंह को पशुपालन मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई। मरुधरा से गजेंद्र सिंह शेखावत को जल शक्ति मंत्रालय सौंपा गया। मरुधरा से गजेंद्र सिंह शेखावत को जल शक्ति मंत्रालय, और वही मरुधरा से कैलाश चौधरी को कृषि एवं किसान मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस बार मरुधरा से तीन मंत्री संसद पहुंचे हैं। अर्जुन राम मेघवाल भी संसद पहुंचे हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी। आप अपने टीवी स्क्रीन पर साफ तौर पर देख सकते हैं कि पीएम के नए मंत्रिमंडल में आखिर किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय सौंपा गया।
लगातार हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से अपडेट कर रहे हैं, ये जानकारी दे रहे हैं कि पीएम के नए मंत्रिमंडल में आखिर किस मंत्री को क्या जिम्मेदारी सौंपी गई। रामविलास पासवान को नागरिक खाद्य आपूर्ति मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली। सदानंद गौड़ा को केमिकल फर्टिलाइजर मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई। प्रहलाद जोशी को संसदीय मामलों का मंत्रालय मिला। थावरचंद गहलोत को समाज कल्याण मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली और हरसिमरत कौर को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली। लगातार हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से अपडेट कर रहे हैं कि पीएम के नए मंत्रिमंडल में किस मंत्री को आखिर क्या जिम्मेदारी मिली। कल इन सभी मंत्रियों ने शपथ ली थी और उसके बाद सभी को इंतजार था कि आखिर मोदी के कैबिनेट में किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय मिलेगा। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री बन चुके हैं, निर्मला सीतारमण अब वित्त मंत्री बन चुकी है, स्मृति ईरानी महिला और बाल विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालती नजर आएंगी, रविशंकर प्रसाद को कानून मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली, नितिन गडकरी सड़क एवं परिवहन मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगे। लगातार हम आपको अपडेट कर रहे हैं, ग्राफिक्स के माध्यम से ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पीएम के नए मंत्रिमंडल में कौन से मंत्री को आखिर कौन से मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई। थावरचंद गहलोत को समाज कल्याण मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली। अकाली दल से हरसिमरत कौर को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली। लगातार हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर पीएम के नए मंत्रिमंडल में किस मंत्री को कौन सी जिम्मेदारी मिली। बता दूं कि अमित शाह गृह मंत्री बन चुके हैं, जो कि अपने आप में एक अहम जिम्मेदारी मिली है। राजनाथ सिंह अब रक्षा मंत्री बन चुके हैं और वहीं निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री बन चुकी हैं और वो वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगी। अमित शाह जो कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इन्हीं के बलबूते और पीएम मोदी के साथ मिलकर आज प्रचंड बहुमत के बाद इतनी बड़ी जीत भाजपा को हासिल हुई। लगातार हम आपको ग्राफिक्स के जरिए ये अपडेट कर रहे हैं कि पीएम के नए मंत्रिमंडल के मंत्रालयों के बंटवारे में आखिर किस मंत्री को कौन सी जिम्मेदारी मिली। अर्जुन मुंडा को आदिवासी मामलों का मंत्रालय सौंपा गया और वहीं महेंद्रनाथ पांडे को कौशल विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली। गिरिराज सिंह को पशुपालन मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है और वहीं मरुधरा से गजेंद्र सिंह शेखावत को जल शक्ति मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली। मुख्तार अब्बास नकवी को अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय मिला। कैलाश चौधरी को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली और सबसे अहम अमित शाह गृह मंत्री बन चुके हैं। राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्री बनाया गया, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री बन चुकी हैं, स्मृति ईरानी को महिला और बाल विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली।